राजकीय शिक्षक संघ के कुमाऊं मंडल अधिवेशन में इस समय जो नजारा है वो आप देख सकते हैं। गेट से ही लोग प्रत्याशी, उनके सपोर्टर्स, वोटर्स को रिझा रहे हैं। वोटिंग चालू हो चुकी है और अभी अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सबसे अभिवादन ले रहे हैं, प्रत्याशी अपने वोटर्स को रिझाते हुए और मुलाकात करते हुए। दुर्गम क्षेत्र पिथौरागढ़ में के बाहर भी प्रत्याशी अपने वोटर्स के लिए यहाँ खड़े हैं और निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ पर पिथौरागढ़ में वोटिंग चालू हो चुकी है, क्योंकि हमारी अपनी एक लिमिटेशन से इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उधम सिंह नगर में प्रतिनिधित्व, शीर्ष प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्याशी आए हैं और जैसे ही आ रहे हैं उनको बिल्कुल वोटिंग तक ले जाने के दावी जारी की जा रही है और प्रत्याशी भी यहाँ पर खड़े हैं, देखिए बिल्कुल वोट एंड सपोर्ट की मांग की जा रही है। उधम सिंह नगर वोटिंग अभी थोड़ी धीमी है, एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन अभी अब चलते हैं दोस्तों सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की तरफ को। अल्मोड़ा के बाहर ही प्रत्याशी और उनके सपोर्टर्स खड़े हैं, देखिए अल्मोड़ा में अभी वोटिंग चालू है और प्रतिनिधित्व के हमारे पीठासीन और अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ वोटिंग हो रही है। बिल्कुल प्रत्याशी अपने अपने सपोर्टर्स के साथ, वोटर और सपोर्टर्स एक साथ बिल्कुल मुस्तैद हैं। जैसे ही कोई पहुँचता है तो सीधे धमक पड़ते हैं। देखिए पुनः गेट की ओर आपको लेके चलते हैं। गेट पर जैसे ही पहुँचते हैं तो प्रत्याशी जो है वोटर्स को रिझाने के लिए जो सारे हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं और भाई साहब हमारे अभी भी आ रहे हैं। एक बाइट ले लेते हमारी संगीता जोशी, आ चुके हैं भाई साहब, एक और प्रत्याशी आ चुके हैं, बिल्कुल डीएन भाई हमारे पहुंच चुके हैं। सर स्पेस संगा स्पेस सर, ये किस तरह से जो है रिझा रहे हैं वोटर्स को ये आप समझ सकते हैं। कोई उत्तराखंडियत की नजर से रिझा रहा है तो कोई अपने अपनी टोपी से रिझा रहा है। एक ही नाम काफी है भाई साहब। जैसे ही वोटर अंदर पधारता है तो समझ लीजिए ये लोग चिपक पड़ते हैं सभी। कोई किसी पद के लिए रिझा रहा है तो कोई किसी पद के लिए सपोर्ट मांग रहा है और इस समय तो वोटिंग का चालू है तो लोग जो है अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मिलते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय जिनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा अब बागेश्वर जनपद में भी अभी फिलहाल वोटिंग का ऐसा ही है, लेकिन दूसरी जगह जनपद नैनीताल के आगे गहमागहमी, अंदर भी वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। वोटर्स जो है वोट के लिए अपील भी करते हैं और अपनी माँ जो है वोट देने के लिए भी। आगामी जो है ये जो इसमें वर्तमान जो है इसमें ये चल रहा है पूरा का पूरा अधिवेशन, इसके बारे में थोड़ा विचार। नहीं बहुत अच्छा व्यवस्था है, कल भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ रही जरा, लेकिन वेंटिलेशन नहीं था, पंखे इनको की व्यवस्था नहीं थी, जरा सा लोगों ने जो है उमस का सामना किया है उससे ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन ये था कि मौसम पहले दो दिन पहले प्रतिकूल था, अनुकूल था, तो अचानक मौसम मतलब खिलने से प्रतिकूल मतलब नेचर ने सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया, चल अच्छी बात है।